नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है यू टेक्निक्स यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मी 5X के बारे में। दोस्तों आप सब जानते होंगे कि जो ये अलग डिवाइस है काफ़ी अलग होने वाला है, इसमें काफ़ी अच्छा कैमरा आने वाला है और जिसकी स्पेसिफिकेशन होगी, जो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन होगी, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होने वाली है। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्यों इस फोन का प्राइस इतना ज़्यादा होने वाला है। एज आप सब जानते होंगे जो पुराने डिवाइस थे वो इतने ज़्यादा महंगे नहीं हुआ करते थे। तो उसमें आपको बता दूँ कि जो ये वाली वेबसाइट है NDTV वाली, यहाँ पर लीक किया गया है कि आपको जो ये वाला फ़ोन है ये July 26 को लॉन्च हो जाएगा। इस फोन की जो मेन हाईलाइट है वो उसकी कैमरा होने वाली है। इसमें डुअल कैमरा आपको मिल जाएगा जैसे कि मी 6 में मिलता है। ये फोन शायद से ऑफलाइन मार्केट में ओप्पो और वीवो जैसे फोन्स को टक्कर देने वाला है, एज वो फोन्स भी ऐसे ही कुछ करते हैं। हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन बहुत कम रखते हैं और कैमरा वो काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, जो कि आजकल काफ़ी लोगों की मेन प्रायोरिटी हो गया है। और मेरे ख्याल से कैमरा इतनी ज़्यादा जरूरी चीज़ नहीं है, काफ़ी ठीक चीज़ है कैमरा, लेकिन इतनी ज़्यादा जरूरी चीज़ नहीं है। लेकिन इस बार Xiaomi कैमरा के साथ खेलने वाला है। इसकी जो प्राइस होगी वो लगभग से 21,000 भोग जाएगी इंडिया में। ऐसा आप सब देख सकते हैं चाइना में इसकी प्राइस जो है वो 19,000 के आसपास है, तो इंडिया में जो इसकी प्राइस होगी वो 20,000 से ऊपर चली जाएगी। इसके अलावा मैं आपको इस पर स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। जैसे मदीना पे एज वेबसाइट काफ़ी जल्दी स्पेसिफिकेशन वगैरह दे देती है, तो मैं अभी आपको इसकी स्पेसिफिकेशन का एक डिटेल ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मी 6 भी है, मी 6 में भी आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है और इसमें भी आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। जो यार फोन है ये LTE+OLT सपोर्ट के साथ आएगा, इसमें आपको डुअल सिम मिल जाएगी। इसकी डेट जो है वो अनाउंस्ड है, लेकिन अगर आप जाएंगे NDTV वाली वेबसाइट पे तो वहाँ पे दिखाया गया कि इसकी डेट जो है वो 26 जुलाई को लॉन्च हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं इसकी स्क्रीन के बारे में। जो इसकी स्क्रीन होगी वो 5.5 इंच की स्क्रीन होगी। इसमें आपको 1080p की डिस्प्ले मिल जाएगी, जो कि इसको आपको फुल HD किया सकते हैं। इसमें आपको 401 की PPI पिक्सल पर इंच वगैरह मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें MIUI 9 का सपोर्ट भी मिल जाएगा, जो कि एंड्रॉइड नोगर पे बेस्ड होगी। जिसका प्रोसेसर होगा वो होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625, जिसमें आपको स्पीड मिलेगी वो होगा 2.0 GHz पे। और जो इसके कोर्टेक्स होंगे वो होंगे 53 बेस्ड। ये कोई भी हाई स्पीड कोर्स नहीं होंगे, लेकिन तब भी आप इसमें काफी हद तक काफी अच्छे गेम्स भी खेल सकते हैं जिनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करते हैं इसकी GPU के बारे में। जो दोस्तों इसका GPU है वो होगा Adreno 506, जो कि Adreno का एक लेटेस्ट GPU में से एक है। काफ़ी ठीक ठाक GPU, आप इसमें काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से गेमिंग कर सकते हैं। आप इसमें काफ़ी इंटेंस गेमिंग नहीं कर सकते, लेकिन बहुत अच्छे से गेमिंग कर सकते। जिसकी मेन हाईलाइट है वो है इसका कैमरा, जो कि होगा डुअल कैमरा सेटअप 12 MP का। आप इसमें दो कैमरा चला पाएंगे। इसमें आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा भी मिलने वाला है। इसमें आपको डुअल टोन LED फ्लैश मिलने वाला है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। कुछ जियो टैगिंग, ऑटो फोकस वगैरह आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। बात करते हैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें 1080p आप रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS। तो 30 FPS वो इतना ठीक नहीं है। अगर 60 FPS होता है उसमें, अगर 4K रिकॉर्डिंग होती है 30 FPS, तो काफ़ी अच्छा हो सकता था, काफ़ी अच्छा फ़ोन हो सकता था अगर इसमें ऐसे वाले स्पेसिफिकेशन हो जाते तो। 16 MP का इसमें सेल्फी कैमरा आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का एक डेडिकेटेड माइक मिल जाता है, जैसे आप कह सकते हैं नॉइस कैंसिलेशन का एक अलग माइक, जो कि हर फोन में होता है बेसिकली। इसके अलावा इसमें आपको 3.5 mm का जैक भी मिल जाता है। आपको इसमें वाईफाई के मोस्टली बैंड सपोर्टेड मिल जाएंगे। आपको इसमें ब्लूटूथ मिल जाएगा और GPS एज यूजुअल, सब कुछ चीज़ें आपको एज यूजुअल मिल जाएंगी। इसके अलावा बात करें इसके सेंसर्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सेंसर जो होंगे वो होंगे फिंगरप्रिंट, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी वगैरह वगैरह, आपको काफ़ी सारे सेंसर्स मिल जाएंगे। ये आपका जो डिवाइस होगा एक VR रेडी डिवाइस होगा, जिसमें जायरोस्कोप सेंसर होने वाला है। Xiaomi हमेशा जायरोस्कोप सेंसर अपने डिवाइसेस में ऐड कर दे। इसके अलावा आपको इसमें काफ़ी अदर चीज़ें जैसे IR ब्लास्टर जैसी चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं, जिसके बारे में अभी कोई भी श्योरिटी नहीं आई है। इसके अलावा अगर आपको नए नए गैजेट्स या फिर नए नए फोन्स के बारे में अपडेट चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वहाँ पे एक घंटी का आइकन होगा, आप उसको दबा दीजिएगा। जैसे आप उस घंटी के आइकन को दबाएंगे आपको मेरे चैनल को नोटिफिकेशन मिल जाएगा।